नमस्कार साथियों, कंसेप्ट आरएनए परिवार पर आप सभी का स्वागत है। आज के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बच्चे एग्जाम के लिए तत्पर रहते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में उनका रिजल्ट क्या रहता है, उस रिजल्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनकी बात की जाती है। अभी हाल ही पिछले महीने मई के महीने में 15, 16, 17, 18 को एग्ज़ाम लगा KSSCI का, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट KSCSCI का एग्ज़ाम लगा, जो लखनऊ में स्थापित है, उसका एग्ज़ाम लगा था। बच्चे बहुत ईमानदारी से मेहनत के साथ में उस एग्ज़ाम को देके आए थे। बच्चों की तैयारी अच्छी थी, बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। अब दिमाग में बहुत सारे सवाल इस प्रकार चल रहे हैं कि उस एग्ज़ाम का रिजल्ट किस प्रकार से देखने को मिलेगा। उन सभी साथियों से मेरा बहुत बधाई पत्र सामने दिख रहा है कि ये निश्चित करें कि ये एग्ज़ाम आपके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण रहा। और इस एग्ज़ाम के लिए कल एक नोटिस जारी हुआ है, कल हाल ही 3 जून को एक नोटिस मिला। उस नोटिस में क्या देखने को मिला है कि उस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वह कब डिक्लेयर हो रहा है, वह हो रहा है 2 जून को, या फिर सेकेंड वीक में। इसका मतलब हाल ही 10-5 दिन में आपके सामने KSSCI का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। और उस रिजल्ट के बाद में आप यहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस एग्ज़ाम को महत्वपूर्ण रूप से क्या करके आए हैं, एग्ज़ाम को बड़े ईमानदारी से कंडक्ट करके आए हैं, जिनका रिजल्ट अच्छे से देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह अपनी एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से क्या करके आए हैं, अच्छा, उनके क्वेश्चन भी बहुत सारे अच्छे गए होंगे। और उनके लिए सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ एडवांस कि उन सभी का क्या हो, सिलेक्शन देखने को मिले। ध्यान रहे, स्पेशल इन्फॉर्मेशन में KSSCI ने रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए क्या डाल दिया है, नोटिस। और रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है, आप कहोगे सेकंड वीक में, जून के सेकंड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार फिर से कंसेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को या उन सभी नर्सिंग ऑफिसर को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था। थैंक यू टू ऑल।